कहीं भी कोई भी अपराध होता है तो पुलिस की नजरें सबसे पहले तलाशती है तीसरी आंख को। अपराधी सड़कों पर बेखौफ घूमते हैं, लेकिन हर वक्त उनका पीछा करती है तीसरी आंख, जिसमें कैद हुई तस्वीरें खोल देती है कई राज। इसी तीसरी आंख के जद में है धनबाद जिला। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद में ईडीजे उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। अगर घटना वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद ना हुई होती तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ा होता, अगर उन पर तीसरी नजर न होती तो। धनबाद जिले में बढ़ते आपराधिक ग्राफ को देखते हुए पूरे जिले को सीसीटीवी कैमरों की जद में लाया जा रहा है, जिससे महिलाएं भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वहीं अधिवक्ता भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। सीसीटीवी नतीजा है कि आज आपको ये खुशखबरी बताएं, इस बार प्रीमाइसेस में हम लोगों ने ये, अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं, पूरा ये रास्ता हम लोग सर्वेलेंस में ही है, पूरा बार में भी लगाया गया है और सड़क को जो है तो पूरा कवर करते हुए, मुख्य सड़क को, और उसको तो हम लोगों ने एसएसपी साहब को दिखाया भी है और उनसे अनुरोध भी किया है कि आप सीसीआर के साथ इसको अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो मॉनिटरिंग 24 घंटा हो सकता है। बिल्कुल, ये आज हाईटेक के ज़माना में जब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है तो ज़रूर होना चाहिए, चाहे कुमार आनंद का मामला हो, चाहे शोरूम में कल बमबाजी का मामला हो, या इस तरीके से जब कभी भी कहीं हो रहा है, इसका जहाँ दुरुस्त नहीं है उसको और दुरुस्त होना चाहिए। इस परिसर में भी, रोहिणी कांड के बाद इस परिसर में भी जो है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में लाठी पीटने से तो बढ़िया है कि कम से कम सीसीटीवी से कुछ तो पता चल जा रहा है कि कौन है, क्यों है, फिर आप अनुसंधान उसके बाद करते हैं, अनुसंधान का स्रोत आपको मिल जाता है। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ये वरदान साबित हो रहा है, वो निश्चिंत शहर में घूम सकती है, अपना काम कर सकती है, मॉल में भी जा सकती है, उसको ये निश्चिंता लगता है कि कुछ भी होगा घटना तो सीसीटीवी हमें वॉच कर रही है। तो इस तरह से महिलाएं और लड़कियां बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को, और जिसे और पुलिस विभाग को भी, क्योंकि मैं महिला थाना में बैठती हूँ बींग ए काउंसिलर एंड लीगल एडवाइज़र, तो थाना में भी जो चर्चा होती है कि सीसीटीवी की वजह से हम लोगों के बहुत सारी ड्यूटी में सरलता आ गई है कि हम लोग उसको जल्दी से छानबीन कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत ज़्यादा सहायक साबित हो रही है सीसीटीवी। पूरे शहर में जिला प्रशासन अलग अलग चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है, वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अपने दुकान, गोदाम और सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, जिसका फायदा क्राइम कंट्रोल में पुलिस को मिल रहा है। सीसीटीवी दो स्तर से है, एक तो जिला प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी कई जगहों पर लगाया गया है, जो हमारा सीसीआर है इस संबंध में वहाँ पर प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होती है। इस संबंध में माननीय उपायुक्त महोदय के साथ भी हम लोगों ने उसका प्रॉपर एक इस संबंध में विस्तृत बातचीत हुई है और उसको और टेक्नोलॉजिकली और हाई करने का विचार है भविष्य में, और हम लोग और ज़्यादा सीसीटीवी लगाएंगे। इसके अलावा जो पब्लिक डिफरेंट एंटरप्राइजेज हैं उनके बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो भी कई बार हमें अपराध के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, अपराध रोकने के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बहरहाल, अपराध रोकने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक मजबूत माध्यम है तीसरी आंख। जरूरत है कि हम भी इसकी गंभीरता को समझे और अपने घर मकान को भी सीसीटीवी से सुरक्षित करें। समाचार प्लस के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।